हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आप 2022 एंड 2023 का वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम आ रहा था कि वोटर लिस्ट जो है उसका साइट के अंदर जाने के बाद जो लिस्ट है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है डाउनलोड। तो मैं एक तरीका बताऊँगा आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो ECI साइट है, इस साइट के बारे में आप सबको पता होगा जो लोग वोटर आईडी का काम करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस साइट को आप ओपन कर लेना है गूगल क्रोम से। और यहाँ पर अगर आपने आईडी नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसको आईडी कैसे क्रिएट करते हैं आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख कर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है, 3 डॉट, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर डाउनलोड इलेक्टोरल रूल PDF यहाँ पर क्लिक करना है और अपना जो भी स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको इस साइट के कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम, उसके बाद आपका विलेज का जो भी नाम है यहाँ पर ढूंढ के सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट रूल एंड मदर रूल दो ऑप्शन दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर मदर रूल सिलेक्ट करना है। सप्लीमेंट रूल सिलेक्ट करने से आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ पर कंप्यूटर से डाउनलोड होता है फ़ोटो के साथ। तो यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। कैप्चा को इंटर करने के बाद व्यू रूल पर क्लिक करना है और आपको और यहाँ पर आपका जो भी लिस्ट है यहाँ पर शो हो जाएगा डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो लिस्ट डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर राइट साइड 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर जाना है और आपका जो भी लिस्ट है यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर PDF व्यूअर ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी लिस्ट है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपका नाम जहाँ पर भी है लिस्ट यहाँ पर ऐसे देख कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।